ऐसी यदि लुड़ी लेके आए इतना उन्हें छुत्ते पे हमारा शाबाश शाबाश जल्दी 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 हाथ चलाओ, पैसे नहीं मिलेंगे नहीं तो। स्कूटरी अपनी बिल्कुल नहीं होगी, ये देखो साढ़े लिए तो स्कूटरी होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और आज है लोहड़ी का त्योहार और आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी लोहड़ी सभी को। निधि जी हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी तो निधि के लिए ये न्यू फेस्टिव है, पहला त्योहार हमारा शादी के बाद लोहड़ी का। कैसा लग रहा है? बढ़िया। नए नए सूट सिलवाए गए हैं लोहड़ी के लिए स्पेशल। नहाए लेकिन अभी तक नहीं हो? क्यों? नहाई हूं मैं। अच्छा नहा ली हो? कपड़े बदल लो। मैंने क्रीम नहीं लगाया ना, तो कपड़े बदल लो। कपड़े आप लेकर ही नहीं आए? लेके आ तो गया, बदलूंगी ना आराम से। हैप्पी लोहड़ी मम्मी जी। मूंगफली खादी जा रही है। सर्दी गई, लोहड़ी का गीत ए पिछे भी कहानी है। लोहड़ी का गीत होंदा सुंदर मुंदरीये ओए तेरा कौन बेचारा ओए दुल्ला पट्टी वाला ओए दुल्हे दी धी व्याई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मनीषा के घर लोहड़ी देने के लिए। जाना तो एक दो दिन पहले था, लेकिन मेरी तबीयत जो है बिल्कुल ही डाउन थी। मतलब मैं ठीक फील नहीं कर रहा था, फीवर वगैरह भी था और सिर दर्द वगैरह बहुत था दो तीन दिनों से, तो मैं कोई काम नहीं कर रहा था। और फिर मम्मी ने बोला कि लोहड़ी वाले दिन चले जाना, कोई बात नहीं, रेस्ट भी जरूरी है। तो निधि अभी तैयार हो गई है, चले फिर। मम्मी नहीं जा रहे हैं, मैं और निधि ही जा रहे हैं। मैं गया ही, मम्मी चल पो। मम्मी कह रहे साग और खीर बना के रखूंगी, तुम लोग जाके दे आओ। तो जाते हैं। और पतंग भी नहीं उड़ाए यार, मेरा बहुत मन कर रहा है पतंग उड़ाने का, पता नहीं क्यों। तो हम लोग निकल चुके हैं अब यहाँ से। बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है यार, गलियों से बाहर निकलने में ही टाइम लगता है। बाकी मैं तो मम्मा को बोल रही थी कि मम्मा लोहड़ी देकर आते तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर बड़े दे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। पर फिर मम्मा कह रहे थे कि फिर साग भी बनाना है, क्योंकि साग बनाना मुझे मतलब सीखा है पर वो प्रोफेशनल तरीके से मुझे नहीं आता है अभी। तो मम्मा कह रहे थे कि आप लोग ही जाए आओ, तो फिर हम ही आ गए। मैं कहा फटाफट से, मैंने 20 मिनट पहली बार मैं 20 मिनट में तैयार हुई हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ तैयार होने में। एक घंटा तो मैं आराम से लगा ही देती हूँ। मैं आज मैं फटाफट से तैयार हुई हूँ, और मेरी भी खुद तबीयत थोड़ी सी डाउन सी चल रही है इन दिनों पर। सामान लेना है तो सारा। इस गलियों से ना नए नए ड्राइवर हैं हम लोग दोनों, नई सवारी हूँ मैं आपकी, तो थोड़ा डर लगता है। पर काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है आपने खुद को, है ना? जैसे चलाते हैं ना वैसे वैसे पता लगता है। और हम लोगों ने सोचा था कि आज हम पतंग उड़ाएंगे, वापिस आके उड़ा सकते हैं अगर अंधेरा ना हो तो। अगर अंधेरा ना हुआ तो वापिस आके उड़ा लेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं दराहे, यहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे, है ना। फ्रूट्स क्या लेने, बाहर देख लेते हैं जो सही लगता है वो ले। अगले लगा गाड़ी नहीं, ठीक है, बस फ्रूट्स ही तो लेने हैं, फिर निकलना ही है। चले ले लेते हैं। तो देख मैं अगले गाड़ी है सर, मेरे को पैसे दे दो ना, मैं ले लेती हूँ फ्रूट्स। आप नहीं, मैं ला के आना गाड़ी, तू देखो नहीं तेरे पसंद का। चलो ले आ दो, लेने कैसे? 60 रुपए। ये फ्रेश लग रही है। 2 किलो लाने हैं ये चीनी, 70 रुपए 100 रुपए किलो। 2 किलो लाने हैं ला लो, किलो की 70 बेचो 60 लगाया कहीं भी ला लो, लाने ला लो ला लो। कितने? 2 किलो का। दोनों किलो इकट्ठे करने? हां, मतलब 2 किलो एक ला लेने, 2 किलो एक ला लेने, हां अपने घर लिए भी लेने। 4 किलो ले लो ना, और क्या लाना? अमरूद भी ले ही लो। अमरूद की मिलाए ओ बच्चे केड़े आ चलिए गुम्मी
ठीक है जी बाय दिशान लेके चले असी दिशानू बाय कर दो बाय तेन ना ले जाना पुछ चल लुधियाने चलिए ठीक है पूछ लू बाय नो नहीं है मेरी गुगड़ी है किदा साऊ होके बैठा है देखे स्लो ही चलाना मैं चल ठीक है बाय फोन कर दी घर ठीक है बाय पुछे मिट्टिए उदास हो गया मामा चल रहा है मेरा बच्चा मेरी गुगड़ी चल ठीक है। वो दिशान से हमने मिल लिया जब मिल लेते हैं तो उसके बाद उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता और अब बारिश होनी शुरू हो गई है तो हमें ये है कि बारिश से पहले पहले हम पहुंच जाए घर पे थोड़ा सा अपना सर मुंह सवार के फिर लोहड़ी मनाए है ना क्योंकि बाद मेरे तो ना मैं तो नहा के आई थी ऐसे ही मैंने फटाफट से टक कर लिया था अपना फिर मैं कहा चलते अब अभी धूप पड़ने से पहले पहले हमने पहुंचना लुधियाने हर हालत में इतना गंदे वाला माहौल हुआ पड़ा है ना मतलब इतनी धुंध हुई पड़ी है ना मैं क्या ही बताऊं पर ये है कि ये रास्ता हमें बिल्कुल सही दिख रहा है अभी तो रोड है ना और निकलने लग गए थोड़ा ये जम गई थी ना तो गाइस मनीषा के घर से आगे थे और अभी हम लोग जो है माथा टेकने लगे हैं वैसे तो जो धुनी होंगी आ पंजाबी धुनी कह देंगे तो वो असी वैसे तो गली के बाहर ही लगाई थी लेकिन हम लोग जो है अंदर ही लगाते हैं बाकी सब लोग जो है बाहर लगाते हैं इसके बाद हम लोगों ने मामू मामी के घर भी जाना है गिफ्ट लेके आए गाड़ी का भाई खोलो खोलो नहीं मनीषा ने भी दिता से किया अच्छा गणेश जी तो ये गणेश जी दिए हैं गाड़ी में लगाने के लिए बहुत प्यारा गाड़ी ऊपर नीचे होगी ना हिलेगी तो झूला ही लेगा प्यारा वा काफी बहुत प्यारा अच्छा। तो गाइस व्लॉग एडिट करके हटा था एंड मेरी और निधि की पहली लोहड़ी थी आफ्टर मैरिज और बहुत अच्छी रही मज़ा आया कल का दिन खूब इंजॉय किया और आई होप के हमारे ऐसे ही सारे त्यौहार अच्छे से आते रहें और खुशियां भरे रहें दिन और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करना कमेंट करके बताना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक ले टाटा बाय बाय लव यू गीला कपड़ा मारते तो सेट हो जाती कितने पैसे लोगे 150 में गड्डी करवाता हूँ मैं ओ हेलो ये 40 रुपए में होती है।